दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्य कश्मीर श्रीनगर पंथा चौक से बोल रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते हम कश्मीर में काफ़ी घूमे, खासतौर से सोपोर गए। यहाँ पे माहौल कुछ अलग है और हमने ये देखा कि जब से गवर्नर्स रूल लागू हुआ है तब से पत्थरबाजी काफ़ी कम हो गई है। इस फ्राइडे को भी पत्थरबाजी हुई थी लेकिन बहुत कम। ऐसा मानो कि जैसे पत्थरबाजों का मोराल टूट गया हो, उनका मनोबल टूट गया हो। पर यह पत्थरबाजी होती क्यों है, ये करवाता कौन है और ये फौजियों पे होती क्यों है, चाहे वो CRPF का वर्दीधारी हो या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का हो या फिर वो इंडियन आर्मी का हो। एक ज़माना था जब हुरियत करवाता था, हुरियत पैसे देता था। आज भी हुरियत करवाता है, आज भी हुरियत पैसे देता है, लेकिन हुरियत के अलावा कई और ताकतें हैं जो पत्थरबाजों को कंट्रोल करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि एक सख्त हाथ से इस चीज़ को कुचला जाए, इस चीज़ को दबाया जाए। बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे भटके नौजवान हैं जो अपने फौजियों पे मोलोटोव कॉकटेल्स, एसिड बॉटल्स, ग्रेनेड, AK-47 और पत्थर से वार करते हैं। क्या ये भाई का ये रोल है, किसी बेटे का ये रोल है कि अपने से उम्र में बड़े और जो देश की वर्दी पहना है उसको पत्थरबाजी करे, उसके ऊपर उसको मारे, उसको जान से मारने की कोशिश करे? कितने CRPF के जवान, कितने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान, कितने आर्मी के जवान और अफसर घायल हो चुके हैं? क्योंकि हमारी हर समय पॉलिसी रही है कि भटके हुए नौजवान हैं। ये नौजवान भटके हुए नहीं हैं, ये पैसा लेके, ड्रग्स करके ये पत्थरबाजी करते हैं। इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इनको अब वक्त आ गया है कि इनको कुचल देना चाहिए। जो इंसान वर्दी की बेइज्जती कर रहा है वो उस फौजी की बेइज्जती नहीं कर रहा, जो वर्दी की बेइज्जती कर रहा है वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है। और हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान से बड़ा कुछ नहीं है, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। ये बात हम सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप आदेश दीजिए, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी देश के गद्दार हैं, जो लाल चौक डाउनटाउन में पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराते हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को आदेश दीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, एक हफ्ते के अंदर ये सारे के सारे अगर भारत माता की जय नहीं बोलते तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्या नहीं, हम में सलाहियत है, हम में ताकत है। जो हम प्यार से बात करते हैं, जो हम तहजीब से बात करते हैं, उन 90% कश्मीरियों के लिए है जो अमन पसंद है, जो ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल चला जाए, बेटा बेटी अच्छा पढ़े और आगे अपना एक फ्यूचर बनाए, अपना एक मुस्तकबिल बनाए। लेकिन ये जो देश के गद्दार हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, इनके लिए अगर हमारे दिल में कुछ रहम है तो रहम गलत है, ये रहम के लायक नहीं है। फौज को आदेश दिया जाए, CRPF और JNK पुलिस को आदेश दिया जाए कि इनको ठोक दें वहाँ। जय हिंद।